नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्टार एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह टैली ईआरपी 9 में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, उस कंपनी में ऑल्टरेशन कर सकते हैं यानी कंपनी में कुछ चेंज कर सकते हैं, उस कंपनी को किस तरह हम बंद कर सकते हैं यानी कि शट डाउन कर सकते हैं और किस तरह किसी कंपनी को हम डिलीट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक्सेल, एडवांस एक्सेल और टैली ईआरपी 9 विथ जीएसटी से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ। मैं अगर आप पहली बार टैली ओपन कर रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो आप सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। जब आप ओपन करेंगे टैली सॉफ्टवेयर तो आपको इस तरह का कुछ स्क्रीन देखने को मिलेगा और आपके सामने स्टार्टअप का पेज आएगा जिसपे आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है W। प्रेस करने के बाद आप इंटर प्रेस करें। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कंपनी इन्फो के अंदर है। ओके, अगर आपसे पहले भी टैली को यूज कर चुका है या आपने टैली ओपन किया, टैली सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर पे आपने ओपन किया और कोई पहले से ही इस डेस्कटॉप के ऊपर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी क्रिएट करके रखा है और आप दूसरा कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कंपनी इन्फो के अंदर ही आना होगा। हम अभी कंपनी इन्फो के अंदर डायरेक्ट पहुंच चुके हैं इसलिए क्योंकि मेरी टैली में अभी तक कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं है पहले से, इसीलिए हमें डायरेक्ट कंपनी इन्फो के पेज पे हमें देखने को मिल रहा है। ओके, अगर पहले से ही कोई कंपनी क्रिएटेड है तो आप गेटवे ऑफ टैली पे आपको यहाँ दिखाई देगा। तो आपको वैसे सिचुएशन में आपको प्रेस करना है ऑल्ट F3। ओके, जब आप ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो आप कंपनी इन्फो के स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। तो हम कंपनी इन्फो के स्क्रीन पे हैं, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी जब हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी क्रिएशन का पेज ओपन हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है नेम, तो यहाँ हमें वो नेम देना है जो हमारी कंपनी का है। तो मान लीजिए मैं दे देता हूं राम एंड सन्स। मैंने ये कंपनी का नाम दिया। इंटर प्रेस करेंगे, मेलिंग नेम आप चेंज कर सकते हैं, ये फिलहाल मैं यहाँ सेम रहने दे रहा हूँ। एड्रेस पे हमें उस कंपनी का एड्रेस देना है। ओके, तो मान लीजिए मैं यहाँ दे रहा हूँ 13/01, रविंद्रनगर। देने के बाद आप इंटर प्रेस करें, फिर से इंटर प्रेस करें, आप देखेंगे कि हम कंट्री पे पहुंच चुके हैं और यहाँ डिफॉल्ट UK है। आप जैसे ही कंट्री पे पहुंचेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ कंट्रीज ओपन हो जाएगा। आप जिस भी कंट्री पे है या जिस भी कंट्री का आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, आपकी कंपनी जिस कंट्री में है, आप यहाँ से उस कंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ इंडिया, तो मैंने आई प्रेस किया तो आप देखिए आई से रिलेटेड जितना भी कंट्री का नाम है वो हमें शो हो रहा है। तो हम यहाँ से प्रेस करेंगे इंडिया। उसके बाद हमसे स्टेट पूछ रहा है, तो आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया। अब आप किस स्टेट पे है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं वेस्ट बंगाल पे हूँ तो मैं W प्रेस करूंगा। तो देखिए आप वेस्ट बंगाल यहाँ से हाईलाइट हो गया। इंटर प्रेस करें। उसके बाद पिन कोड पूछ रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी पिन कोड दे देता हूँ। इंटर प्रेस करें। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आप फोन नंबर दीजिए आपकी कंपनी का, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया। मोबाइल नंबर दे दीजिए। फैक्स नंबर जो भी आप वो दे दीजिए, अगर है तो ईमेल आईडी, अगर उनका मेल आईडी है तो आप वो दे दीजिए। वेबसाइट है उनका तो उनका डिटेल्स आप यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद इंटर प्रेस करें। उसके आप देखेंगे बुक्स एंड फिनेंशियल ईयर डिटेल्स, फिनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यानी कि आपका जो फिनेंशियल ईयर है वो उसका डेट क्या है। तो बेसिकली कोई भी फिनेंशियल ईयर 1st ऑफ अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ रहने दूंगा 1st अप्रैल 2018।
इंटर प्रेस करेंगे, बुक बिगनिंग फ्रॉम, तो सेम डेट रहता है फाइनेंशियल ईयर का और बिगनिंग फ्रॉम सेम रहने देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है अभी, इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बेस करेंसी सिंबल, आपका जो आपने जो कंपनी बना रहे हैं आप कंपनी, उस पर कौन सा करेंसी सिंबल आप यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ डिफॉल्ट रूपी है तो हमें रूपी ही रखना है, तो इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए फॉर्मल नेम INR हमें शो हो रहा है तो हम ये सेम रहने देंगे, हमारे इंडिया में INR चलता है। इंटर प्रेस करेंगे। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट में हमें कुछ नहीं करना है, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट में भी हमें कुछ नहीं करना है, शो अमाउंट इन मिलियंस में भी हमें कुछ नहीं करना है, इंटर प्रेस करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम टू ही रहने देंगे और यहाँ हमें कुछ नहीं करना है और इसे आप इंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लें। तो हमने कंपनी क्रिएट कर ली है। अब आप देखेंगे कि नेम ऑफ कंपनी के नीचे आपकी कंपनी का जो नाम था राम एंड सन्स वो शो हो रहा है और आपने जो पीरियड दिया था, देखिए फाइनेंशियल ईयर आपने दिया था 1 अप्रैल 2018, तो देखिए आपको दिखा रहा है करंट पीरियड 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019, ओके। और अभी जो हम लोग जिस डेट में है वो है 1 अप्रैल 2018। डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर एंटर्ड, इसका मतलब हमने अभी तक कोई भी एंट्री नहीं किया है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे गेटवे ऑफ टैली, ओके। अब हमने कंपनी क्रिएट कर लिया है। अब मान लीजिए कि आपने जो कंपनी क्रिएट किया उसमें कोई गलती हो गया है, कोई इंफॉर्मेशन आपने जो फील किया वो गलत है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में हमें हमने जो कंपनी का डिटेल्स फील किया था उसे चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, आप देखेंगे कि आप गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे आपको जाना है कंपनी इन्फो में। अब कंपनी इन्फो में जाने के लिए शॉर्टकट की है Alt F3। उसके साथ आप देखेंगे कि आपको यहां भी शो हो रहा है CMP यानी कि कंपनी और INFO इन्फो। तो उस कंपनी इन्फो में जाने के लिए आप देखिए यहाँ शो हो रहा है कि एक सिंगल अंडरलाइन है, जब भी सिंगल अंडरलाइन रहेगा तो यानी कि ऑल्ट, ओके, आपको ये बात का ध्यान रखना है। तो अगर आप Alt F3 प्रेस करते हैं तो कंपनी इन्फो पे आप पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। तो हमें जो ऑल्टरेशन करना है यानी कि कंपनी में कुछ चेंजेस करना है, उसके लिए हमें कंपनी इन्फो में जाना होगा। तो हम यहाँ से प्रेस करेंगे इस पे कंपनी इन्फो में जाने के लिए। उसके बाद आप देखिए कि कंपनी इन्फो में हम पहुंच गए हैं। उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है गेटवे ऑफ टैली, यानी कि गेटवे ऑफ टैली के अंदर जो ऑप्शन है वो होता है कंपनी इन्फो। आपको यहाँ जाना है ऑल्टर में, ओके। तो हम जाएंगे ऑल्टर में क्योंकि हमें चेंजेस करना है, इंटर प्रेस की। उसके बाद देखिए लिस्ट ऑफ कंपनी, जितने भी आपने कंपनी क्रिएट किया होगा आपको यहाँ शो होगा। फिलहाल हमने अभी एक ही कंपनी क्रिएट करके रखी है इसलिए हमें सिर्फ एक ही शो हो रहा है जो है राम एंड सन्स, तो हम इसे सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा कंपनी ऑल्टरेशन। अब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं नेम ही बदलना चाहता हूँ, ओके, मैं नेम देना चाहता हूँ HK ट्रेडर, तो मैंने HK ट्रेडर दिया। आप इंटर प्रेस करते हुए भी इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और नहीं तो आप कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+A, इससे होगा ये कि एक बार में आपका जो पेज है वो सेव हो जाएगा। तो हम Ctrl+A प्रेस करते हैं। उसका प्रेस करने के बाद आप स्पेस एस्केप प्रेस करिए बटन, आप देखें कि आपका जो कंपनी का नेम था वो राम एंड सन से HK ट्रेडर हो गया, ओके। अब हम गेटवे ऑफ टैली पे है एस्केप प्रेस करते हुए। अब देखिए हमने नाम चेंज कर दिया। अब क्या करना है, मान लीजिए कि इस कंपनी को हमें बंद करना है, इस कंपनी में हमने पूरा काम कर लिया, अब हमें इस कंपनी को बंद करना है, उसके लिए हमें शट डाउन करना होगा यानी कि शट कंपनी करना पड़ेगा। तो शट कंपनी का जो शॉर्टकट की है वो है Alt F1। आप चाहें तो इस कंपनी को बंद करने के लिए Alt F1 कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ शट कंपनी का आपको की शॉर्टकट की दिखाई दे रहा है Alt F1। अब शट कंपनी करने से होगा क्या, हम पहले ये समझते हैं। आपकी कंपनी अभी खुली हुई है, आप देख सकते हैं आपको शो हो रहा है, जैसे ही आप शट कंपनी करेंगे ये कंपनी बंद हो जाएगा। तो चलिए हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Alt F1। तो आप देखिए यहाँ जो है वो कंपनी अब शट डाउन हो चुकी है यानी कि रिमूव हो चुकी है, यहाँ से वो कंपनी डिलीट नहीं हुई, रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह हम किसी भी कंपनी को शट डाउन कर सकते हैं।
अब मान लीजिए क्या करना है हमें, उस कंपनी को फिर से खोलना है, हमने शट डाउन कर दिया था एक टाइम, उसके बाद हमें उस कंपनी को फिर से खोलना है। तो खोलने के लिए हम कंपनी इन्फो पे जाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ, हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपने जितनी भी कंपनी बनाई होगी आपको वो शो करेगा। तो देखिए एचके ट्रेडर हमें शो कर रहा है, हम इसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आप वो कंपनी फिर से खुल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस कंपनी को डिलीट करना है। अब डिलीट किस तरह करेंगे, डिलीट करने के लिए हमें कंपनी इन्फो पे जाना होगा। तो कंपनी इन्फो में जाने का शॉर्टकट की क्या है, Alt F3। आप चाहें तो यहां से क्लिक भी कर सकते हैं, तो मैं यहां क्लिक कर देता हूं। देखिए आप कंपनी इन्फो में पहुंच गए, उसके बाद आपको जाना है Alter। तो Alter पे जाने के लिए आप जरूरी नहीं है कि आप कीबोर्ड से इस तरह जाएं। आप देख सकते हैं Alter जो लिखा गया है उसका जो A है वो बोल्ड में, यानी कि वो शॉर्टकट है। आप अगर A प्रेस करेंगे तो आप Alter में पहुंच जाएंगे। तो चलिए मैं कीबोर्ड से सिर्फ A प्रेस करता हूं, तो आप देखिए Alter में पहुंच गए, आपकी कंपनी का नाम आपको शो हो रहा है, आपको एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आप देखेंगे कंपनी Alteration आपको पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप मान लीजिए इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt D। तो जब आप Alt D प्रेस करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें पूछेगा Delete? यस और नो, कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं इस कंपनी को या नहीं, एक बार आपसे वो श्योर करेगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप Y प्रेस कर दें, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नो प्रेस करें। फिलहाल मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं तो मैं Y प्रेस करूंगा। तो देखिए फिर से पूछ रहा है आयु श्योर, क्या आप सच में इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो जी हाँ हम इस कंपनी को सच में डिलीट करना चाहते हैं, तो हम फिर से प्रेस करेंगे Y। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ जो कंपनी था HK Trader वो हमें शो नहीं कर रहा है। अगर हम सेलेक्ट कंपनी में जाके उस कंपनी को फिर से खोलना चाहते हैं, अगर इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए नो कंपनीज ऑन डेस्क, हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई कंपनी है ही नहीं। तो इस तरह हम Tally ERP 9 में किसी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, उस कंपनी में Alteration कर सकते हैं, किसी कंपनी को शट डाउन कर सकते हैं और किसी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो एक्सेल, एडवांस एक्सेल और Tally ERP 9 विथ GST से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे होगा ये कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।